हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। कल जैसा कि मैंने आपको इंटरमीडिएट से कैंडिये का मैंने आपको टॉपिक डिस्कशन में लिया था, प्रोज का चैप्टर तीसरा है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको बातें बताई गई थी और उसी के आगे हम क्या करेंगे, आज चीज़ों को जारी रखेंगे और ये चीज़ें लगातार चलती रहेंगी। फिलहाल जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था वहीं से मैं शुरू करूँगा, तो यहाँ से समझेंगे कि डिजीज से हम शुरू करेंगे और आज आपका योर माइंड तक लेकर जाएंगे। चलिए समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो डिजीज के बारे में कल चर्चा करी थी कि डिजीज का मतलब क्या होता है। डिजीज का मतलब मैंने आपको बताया बीमारी, डिजीज मीन्स क्या बताया था, बीमारी बताया था, तो उसकी कुछ मैंने आपको मीनिंग भी नोट कराई थी, याद हो मेलाडी, एक वर्ड आप नया नोट कर सकते हैं एलमंट, एक शब्द और नोट कर सकते हैं आप इलनेस, एक शब्द और इस्तेमाल आप करते हैं सिकनेस, जिसकी चर्चा हुई थी कल। आगे एक शब्द से ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को, एक शब्द होता है मेलोडी, इसका मतलब होता है मधुर, मेलोडी मीन्स क्या होता है, मधुर होता है। तो डिजीज का मतलब आप समझ लीजिए बीमारी होता है, बीमारी का सेनानी पार्ट में आप मेलोडीज आएंगे, एलिमेंट को देख लेंगे, आप इलनेस को देखेंगे और सिकनेस को देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सारा शब्द क्या है, आपका नाउन है, क्या है आपका, सारे वर्ड क्या है आपके, नाउन होता है। तो डिजीज कम्स मतलब आती है, कम्स मतलब आती है टू दोज, उनके या उनको, हु, एक शब्द आया हुआ है आपका हु। थोड़ा सा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखें हु के बारे में, हु है क्या आखिर, हु क्या बला है, इसको थोड़ा सा समझें। इसका प्रयोग आप दो तरह से करते हैं, पहला तरह वाला मामला तो आपका ये है, फर्स्ट काइंड आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह इसका पहला इस्तेमाल हो गया। दूसरा इस्तेमाल इसका आप करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, कैसे करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करेंगे। यहां से समझने की कोशिश करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो इसकी मीनिंग क्या होगी, अगर रिलेटिव प्रोनाउन होता तो इसका मीनिंग होता है कौन, अगर जब यह रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसका मतलब होता है जो। एग्जाम्पल से देखिए बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, कि जैसे आप एग्जाम्पल है हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, यहां पर बात आपको समझ में आ रही है कि यहां पर क्या है आपका, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और मीनिंग क्या निकल के आ रही है, कौन, आपके पिता कौन है। रिलेटिव प्रोनाउन में समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देखना पड़ेगा, जैसे द राम इज द बॉय हु हेल्प्स मी, राम इज द बॉय हु हेल्प्स मी, ये क्या कर रहा है, अगर कहा जाए तो एक क्लास ये है और इधर से एक क्लास ये है, क्लास कहें तो उपवाक्य, ये दोनों को जोड़ रहा है, जोड़ने के लिए क्या किया गया, रिलेट किया गया, इसलिए क्या बन गया आपका, रिलेटिव। यहां तक बात समझ में आ रही है कि हु का प्रयोग आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी करते हैं, जब कौन का अर्थ आए तो आप समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जब जो का अर्थ आएगा तो आप समझ जाइए कि क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। थोड़ा सा और इसमें और देखना चाहते हैं आप लोग तो देख रहे हैं कि हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस, किस केस में आप करेंगे, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में अगर करना है तो हुम का प्रयोग होता है, अगर हुस का प्रयोग होता है जब आप अधिकार बताते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पोसेसिव केस,
और ध्यान रखें इन तीनों का डिस्कशन आपको हैशटैग लगा के छोड़ दें, इसका डिटेल डिस्कशन में प्रोनाउन में करूंगा। फिलहाल आप यहां समझ गए हैं कि वो का प्रयोग कैसे किया जाता है, यहां तक नोट करेंगे। अब इस कहानी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? डिजीज कम्स टू दोज, बीमारी उन्हीं के पास आती है जो उसे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जो उसे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं के पास क्या करती है, बीमारी आती है। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट का मतलब ये होता है आकर्षित करना। एक चीज यहां समझना जरूरी है कि अगर इस हु के पहले जो सब्जेक्ट होता है इसको बोला जाता है, हु के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट। हु के पहले आया हुआ सब्जेक्ट क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। यहां तक ये बातें समझ आ रही है? इसको नोट करें। आगे समझे, टू दोज, यहां तक कहानी समझ में आए कि बीमारी उनको आकर्षित करती है या उनके पास आती है जो उसे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। दोज हुज माइंड्स आर बॉडीज, जिनके, अभी मैंने बताया हुज का मतलब क्या होता है, हुज मतलब होते हैं जिसका, हुज मतलब होता है जिसका, ये पोसेसिव केस में इस्तेमाल होता है, जिसका दिमाग और शरीर क्या करता है, रिसेप्टिव। एक कमाल का वर्ड है, इसको थोड़ा समझें। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहणशील। रिसेप्टिवनेस होता है ग्रहणशील। एक चीज ध्यान रखिए, इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। कुछ शब्द है जो क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन टू लेते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द होता है एसेंट, एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं कंसेंट। ये दोनों के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इनका मतलब होता है सहमत होना। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं डेट्रीमेंटल, इसके साथ भी लगता है इंजूरियस के साथ भी प्रीपोजिशन टू लगता है। तो आप बस प्रीपोजिशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको ग्रुप में बना के याद करें या सेंटेंस में इस्तेमाल करके आप याद करें, तभी आप प्रॉपर क्या करते हैं, प्रीपोजिशन याद करते हैं। ये प्रीपोजिशन लर्न करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि कंफ्यूजन बनी रहती है लगातार, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिसेप्टिव के साथ टू लगता है, ग्रहणशील होता है एसेंट, और कंसेंट के साथ भी प्रीपोजिशन टू, डेट्रीमेंटल और इंजूरियस। जैसे कहा जाए कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिगरेट क्या है, इंजूरियस टू हेल्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि दोज हूज माइंड्स एंड बॉडीज, जिनके, जिसका दिमाग और शरीर क्या करता है, रिसेप्टिव टू इट, इसे क्या करता है, ग्रहण करता है, ग्रहणशील होता है, उसी के पास क्या करती है, बीमारी आती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जिसका मस्तिष्क और शरीर बीमारी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसी के पास क्या करती है, बीमारी आती है। आगे देखिए, एंड ऑन द बाउर, प्लीज, प्लीज एक वर्ड आया, कमाल का वर्ड है प्लीज। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना या फरार हो जाना, और इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है फ्लीट होता है, ये भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, फरार हो जाना या भाग जाना। फ्लीज फ्रॉम दोज, उनसे क्या होती है, फरार हो जाती है, हुज जिसका, हुज मतलब जिसका, क्या हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, शुद्ध हो,
और उनकी क्या हो, सोच कैसी हो, पॉजिटिव हो, तो ऐसे लोगों के पास क्या होते हैं, स्वास्थ्य जीवनदायिनी धारा प्रदान करता है। ये इनको जीवनदायिनी धारा प्रदान करता है, इनके स्वास्थ्य को क्या कर देता है, ठीक कर देता है। कौन? इनकी जो स्ट्रांग मजबूत शुद्ध पॉजिटिव थॉट ही क्या करती है, इन्हें नई जीवन धारा प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य क्या है, इनसे वो क्या होती है, बीमारी दूर चली जाती। क्यों चली जाती है? क्योंकि इनकी जो सोच है कैसी है, स्ट्रांग है, प्योर है और पॉजिटिव थॉट है, जनरेट्स करता है स्वास्थ्य को, क्या करता है, जनरेट करता है, उत्पन्न करता है और इनको क्या देता है, नई जिंदगी या नई विचारधारा प्रदान करने का काम करता है। यहाँ करंट का मतलब विचार धारा आप जानते हैं, तो कौन सी धारा, करंट का मतलब कि दो चीज होती है, ध्यान रखें। करंट मतलब वर्तमान भी होता है, और करंट मतलब धारा भी होता है, तो इस चीज को ध्यान रखें। यहां जो अर्थ है विचार धारा के अर्थ में है, किसके अर्थ में है, विचार धारा के अर्थ में। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति है जिसके सोच या दिमाग कैसे हैं, स्ट्रांग है, प्योर है, पॉजिटिव थॉट है, उनको क्या करता, स्वास्थ्य उत्पन्न करता है। कौन? इनकी सोच क्षमता और शुद्धता, और इसी से इनको क्या करती है, जीवनदायिनी धारा प्रदान की जाती है, और इसी से क्या करते हैं, लोग स्वस्थ रहते हैं। आगे समझते हैं, इफ यू आर, आपको प्रदान किया गया है, ये फिगर गिवन मतलब आपको प्राप्त है, क्या, गुस्सा, क्या प्राप्त है, क्रोध, और क्या प्राप्त है, चिंता। एक वर्ड आप समझते हैं, यहां पर एक वर्ड आया हुआ वरी, वरी मतलब होता है चिंता। एक महत्वपूर्ण वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, एंजाइटी। एक वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, बोदर। अगर यहां से थोड़ा सा अगर वर्ड का विश्लेषण किया जाए तो आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वरी। वरी का मतलब ध्यान रखिएगा सावधान होता है, और इसके साथ प्रीपोजिशन आप का प्रयोग होता है, और इसके अगर सिनोनिम को आप लिखना चाहें तो एक वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं अलर्ट, एक वर्ड इस्तेमाल होता है कॉशस, एक वर्ड इस्तेमाल होता है वॉचफुल, एक शब्द इस्तेमाल होता है हीडफुल, एक शब्द इस्तेमाल होता है केयरफुल। आप इस शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके अर्थ में, सावधान के अर्थ में। तो अगर आपको क्या है दिया गया है या प्राप्त है, टू एंगर क्या, क्रोध, वरी चिंता, ज्वेलसी मतलब ईर्ष्या, ग्रीड मतलब लालच, एनी अदर इनहारमोनियस स्टेट और बेमेल अवस्था। बेमेल का मतलब जो चीजें आपके दिमाग को क्या कर दें, डिस्टर्ब कर दें, वो सब क्या है, आपको प्राप्त हैं। किस चीज को, आपके दिमाग को प्राप्त है। एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, फिर भी अगर आपके दिमाग में सारी चीजें भरी हुई हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य क्या रहे, परफेक्ट रहे, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, बात समझ में आ रही है। एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, यू आर एक्सपेक्टिंग, आप किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं, आप किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं, द इम्पॉसिबल, असंभव चीज की उम्मीद कर रहे हैं। कि अगर आपके दिमाग में सब सारी चीजें भरी हुई हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य क्या हो, अच्छा हो, तो ये किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं, आप असंभव की उम्मीद कर रहे हैं। किस चीज की, असंभव की, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्पॉसिबल, क्या है, इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है, असंभव। कल मैंने चर्चा करी थी प्रीफिक्स और सफिक्स की, इसमें पॉसिबल में इम जो है ना, ये आपका क्या है, प्रीफिक्स है, क्या है, प्रीफिक्स है, इस चीज को ध्यान रखें, ये आपका रूट वर्ड है। कल जो इस लोगों को डाउट रहा होगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा यहां से भी कि आपका क्या हो रहा है, पॉसिबल आपका रूट वर्ड है और इम क्या है, आपका प्रीफिक्स है। फॉर यू आर,
कंटिन्यूली, कंटिन्यूली का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं लगातार, स्वइंग मतलब होता है बोना, स्वइंग का मतलब क्या होता है बोना, स्वइंग मतलब होता है बोना, बोना समझते हैं। देखिए बोना और बौना में फर्क होता है, बौना ऐसे लिखते हैं आप, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, इसकी जो आप स्पेलिंग लिखा करते हैं ड्वार्फ, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बो रहे हैं, किस चीज का बीज बो रहे हैं, बीमारी का बीज बो रहे हैं, किस चीज का बीज बो रहे हैं, बीमारी का बीज बो रहे हैं, और कहां बो रहे हैं, अपने दिमाग में, और इस चीज की आप उम्मीद करते हैं कि आप क्या करेंगे, आपका स्वास्थ्य पूर्णतः क्या रहेगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा, और ये असंभव की परिकल्पना नहीं करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में सारी चीजें हैं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, और आपको अगर स्वस्थ रहना है तो इन सब चीजों से आपको क्या करना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आज की क्लास में जो चीजें मैंने आपको वकैब लिखाई है, लेकिन अगर आपको समराइज किया जाए तो इस चैप्टर के माध्यम से पता चल रहा है कि सारी चीजें स्वास्थ्य के बारे में ही बात हो रही है, अगर आपके अगर आप बीमारी को लाते हैं, अगर आप इस चीज को समझना चाहें तो कोरोना वायरस की वजह सबसे अच्छी वजह बनेगी आपको। कोरोना वायरस को अगर आप जब तक लेकर नहीं आएंगे तब तक कोरोना वायरस आपके यहाँ नहीं आएगा, कहीं से वो आएगा तभी आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके परिवेश में ये फैलेगा। इसी तरह से आपको ध्यान रखें कि डिजीज कम्स, इस ये जो आपका वर्ड है ये आपका इस समय कोरोना पर काफी सटीक बैठता है, इसलिए आप इस चीज को भी ध्यान रखें कि अगर आप इस समय बिल्कुल सावधानी के साथ घर में रहें, जब जरूरत पड़े तभी आप जाएं कहीं, नहीं अन्यथा बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आज की क्लास इतनी ही रहेगी, कल फिर इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज की क्लास कैसी लगी, इसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।